स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। मौसम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि के कारण बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। वहीं आंधी सहित बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक में तूफान बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही IMD ने देश के बाकी हिस्सों में छिटपुट बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। की बात करें तो न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 2 अगस्त को भी नई दिल्ली में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। 3 और 4 अगस्त को नई दिल्ली में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 5 और 6 अगस्त को नई दिल्ली में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, विदर्भ, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश और पूर्वी राजस्थान में पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। की माने तो अगस्त के पहले हफ्ते में नई दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बारिश की तीव्रता इन दिनों अलग अलग दर्ज की जाएगी। आज भी नई दिल्ली में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। अगस्त के पहले दिन नई दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी ज्यादातर राज्यों में जारी रहेगा।